ये बना रहे हैं दोस्तों गर्मा गर्म कचड़ी। ये बनाना बहुत ही आसान है और हम नाश्ते में चाय के साथ इसे लेते हैं तो बहुत ही गजब का स्वाद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश के दिनों में खासकर कचड़ी को पसंद किया जाता है। कोई पकौड़े कहते हैं, कोई कचड़ी कहते हैं, प्याजी भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्याज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसको प्याज और बेसन में मिक्स करके बनाया जाता है। हरी मिर्ची डाल देते हैं, जिसे तीखा पसंद है, जिसे तीखा नहीं पसंद है वो अवॉइड भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालें, अजवाइन मंगे और उसे अच्छे से थोड़ा सा मिला लेते हैं टाइट करके और फिर हम इसे तेल में पकाते हैं तो ये कचड़ी बन जाती है और इसे सभी पसंद करते हैं। खास करके बारिश का जो अभी मौसम चल रहा है ना, इसमें तो पकौड़े और चाय खा के मन ही भर आता है। बहुत मतलब अच्छा स्वाद आता है इसके साथ। तो हम इसे और इसकी पता है इसकी सब्जियां भी बनती है। अगर आप कचड़ी बना लें, कोई कोई जिन्हें कढ़ी नहीं पसंद होती है दही अवॉइड करते हैं ना, वो लोग कचड़ी के साथ रस बना के सब्जी बहुत अच्छा लगता है। तो पहले इसका कचड़ी बना लेते हैं, फिर इसमें मसाला डाल के भून के और फिर इसको डाल देते हैं। तो ये कचड़ी और भात के साथ, चावल के साथ इसे खाया जाता है। रस वाला सब्जी कचड़ी भात उसको बोलते हैं। और जैसे अगर ये तो सिर्फ ऐसे ही नाश्ते में खाया जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। हम लोग इसे चाय के साथ ही खास करके प्रेफर करते हैं कि भाई मुँह में अगर आपको खाना हो, मौसम सुहाना हो तो क्या खाऊँ, तो पकौड़े या कचड़ी जो भी बोलते हो आप लोग, हमारे यहाँ कचड़ी बोला जाता है और पकौड़े भी बोला जाता है। तो खास करके जब प्याज की बनाते हैं तो हम लोग कचड़ी बोलते हैं, लोग प्याजी भी बोलते हैं इसे। तो इसे हम बनाते हैं, यह बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ना कोई झंझट। थोड़ा सा बेसन ले लीजिए अपने, अगर आपको मतलब कि चार लोगों का बनाना है कचड़ी चार लोगों के लिए, तो आप इसमें 100 ग्राम बेसन ले लीजिए और बड़े साइज़ का 2-2 प्याज ले लीजिए और इसमें हरी मिर्च ले लीजिए 4 और फिर इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लीजिए प्याज को और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। हल्का सा नमक अजवाइन मंगरे के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसी तरह से दोस्तों इसे फ्राई करिए। धीमी आंच में इसे अच्छे से पकाना है जिसमें और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी स्वाद आता है इसका। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, हमें तो ये बहुत पसंद है। आप लोग बताएं कि आप इसे क्या कहते हैं और इसे कैसे कैसा स्वाद बनता है आपका, तो हमें कमेंट में ज़रूर ही बताएं। बहुत ही इजी होता है बनाने में और खाने में तो लाजवाब होता ही है।